गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एक बार फिर से मैं खास खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देश की सियासत बहुत ही दिलचस्प होती है, होती जा रही है और होगी भी, क्योंकि कुछ समय बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा का आगाज होने वाला है, यानी कि महासंग्राम यानी कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव की तैयारी। ऐसे में सियासत बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है। राजनेता जो है, विरोधी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है। लेकिन इसी बीच देश के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है, या यूं कहूं कि बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर जुड़ी है राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव, जो कि इस वक्त चारा घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे हैं, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर। जल्द ही वो दूल्हा बनने वाले हैं, उनकी सगाई होने वाली है, शहनाई बजने वाली है, उनके घर बहू आने वाली है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ससुर बनने वाले हैं और ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव की होने वाली दुल्हनियाँ क्या करती हैं और क्या है उनका बैकग्राउंड, उनके घर में उनका घर, उनका उनका क्या रसूख है, क्योंकि उनके जो पिता हैं वो भी एक जाने माने राजनेता हैं, बिहार की राजनीति में उनकी ज़बरदस्त पैठ मानी जाती है। तो ऐसे में क्या है उनकी पत्नी का नाम, उनकी होने वाली पत्नी का नाम क्या है, क्या करती हैं वो, उनकी पढ़ाई क्या है और ऐसे में उनके क्या क्या शौक है, इस बारे में एसपीएन 9 न्यूज आपको बताएगा। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से ऐसी खबरें जो कि उनकी पत्नी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस वक्त बिहार में तेज प्रताप यादव की शादी को लेकर उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो बहुत खुश हैं। और साथ ही शादी में आपको सियासी रंग भी नजर आएगा, क्योंकि सियासी रंग क्या नजर आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी बात करती हूँ तेज प्रताप यादव की पत्नी को लेकर। आप ये देख सकते हैं, राबड़ी देवी की पसंद है ऐश्वर्या। तेज प्रताप यादव की पत्नी का नाम है, जो होने वाली पत्नी है उनका नाम है ऐश्वर्या राय। दिल्ली में की है पढ़ाई और क्या है उनकी खासियत, अब आपको बताते हैं। ये देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दूल्हा बनने जा रहे हैं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव के घर की बड़ी बहू बनने जा रही हैं। और आप बकायदा तस्वीर देख पा रहे हैं, ये हैं तेज प्रताप यादव की होने वाली दुल्हनियाँ, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐश्वर्या राय, पढ़ाई की बात करते हैं तो ऐश्वर्या राय की पढ़ाई पटना में हुई है और उन्होंने आगे की पढ़ाई दिल्ली से की है। इसके आगे आपको बताते हैं कि आखिर क्या है और क्या जुड़ी हैं इसमें खास बातें। कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री चंद्रका प्रसाद राय की बेटी से तेज प्रताप के रिश्ते को लालू की मंजूरी मिल गई है और राबड़ी देवी को भी ये रिश्ता पसंद है, यानी कि दोनों को ये साथ पसंद है। और शादी की अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन शादी अगले महीने हो सकती है। और ऐसे में पटना के होटल में सगाई की बात कही जा रही है कि पटना के होटल में सगाई होगी। ये देखिए, 18 अप्रैल को पटना में सगाई होगी और इसके लिए होटल मौर्य को बुक किया गया है। और बेटे की शादी में लालू उपस्थित होंगे या नहीं ये तो अभी फिलहाल तय नहीं है। और चंद्रिका प्रसाद, जो कि तेज प्रताप यादव की होने वाली पत्नी है, उनकी उनके ससुर क्या करते हैं, तेज प्रताप यादव के ससुर, तो वो चंद्रिका प्रसाद उनका नाम है, जो कि सारण जिले के ही रहने वाले हैं। वो आरजेडी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यानी एक सियासी घराने से बहू को लाया जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की शादी को लेकर मीडिया में बातें होती रही हैं। और ऐसे में पिछले दिनों जब मीडिया ने तेज प्रताप यादव से शादी को लेकर सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि सुशील मोदी, जो कि डिप्टी सीएम है इस वक्त बिहार में, वो उनके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। और वैसे भी आपको पता होगा कि तेज प्रताप यादव, जब लालू प्रसाद यादव की जेड प्लस की सिक्योरिटी हटाई गई थी, तो उन्होंने कितने तीखे बयान दिए थे पीएम मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि चमड़ी उधेड़ लेंगे अगर उनके पिता को कुछ भी हो गया तो। हमेशा ही अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं तेज प्रताप यादव। और ऐसे में जिस तरीके से अब उनकी शादी को लेकर खबर आई, लेकिन एक बात आपको इसी बीच और अहम जानकारी ये दे दूं कि उनके जो छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव, उनका एक व्हाट्सएप नंबर लीक हो गया था। और फिर वहाँ पर उन्होंने, हालांकि वो नंबर इसलिए दिया था ताकि उनको विकास कार्यों की सुध मिल सके, लेकिन उस पर तो शादी के लगातार प्रपोजल आने लगे।
और इस बात की खबर, ये खबर एकदम वायरल हो गई कि तेजस्वी यादव के लिए व्हाट्सएप पर शादी के प्रस्ताव आ रहे हैं। कई लड़कियों ने बाकायदा उन्हें टेक्स्ट किया उस नंबर पे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ऐसी खबर सामने आई थी। अब यहाँ पर हो सकता है तेज प्रताप यादव के बाद तेजस्वी यादव की शादी की भी हमें खुशखबरी मिले। चलिए अभी बात करते हैं लालू यादव के बेटे की ही, तेज प्रताप यादव। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तेज प्रताप यादव हैं और ये उनकी होने वाली बहू हैं लालू प्रसाद यादव की। ये लालू प्रसाद यादव की होने वाली बहू हैं और ये आप, मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल जो है ये खबर जो सामने आई है वो 18 अप्रैल को पटना के होटल मौर्या में दोनों की सगाई होगी, मैंने आपको बता दिया है, और 12 मई की को सात फेरे लेने की तारीख पक्की है, ऐसा जो पारिवारिक सूत्र है उनका ये कहना। क्योंकि मैंने आपको जो पहली खबर दिखाई है उसमें कहा गया कि शादी की डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन इस खबर में बताया जा रहा है कि जो पारिवारिक सूत्र है उनका साफ साफ कहना है कि 12 मई को शादी हो सकती है, और चंद्रिका राय जो कि ऐश्वर्या राय के पिता हैं उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। और चंद्रिका पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के पुत्र हैं और बिहार के 10वें मुख्यमंत्री दरोगा राय 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक अपने पद पर रहे थे, और छपरा जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र से चंद्रिका पहली बार साल 1985 में कांग्रेस से विधायक बने थे और बाद में लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए थे। महागठबंधन सरकार में चंद्रिका के पास परिवहन विभाग की जिम्मेदारी थी, और चंद्रिका के ग्रामीणों के मुताबिक जिस समय लालू सियासत के शीर्ष पर थे तो दरोगा राय के घर रिश्तेदारी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब बात करते हैं ऐश्वर्या राय जो है उनकी भाई बहनों की, तो जो है वो दो बेटियां एक बेटा है, यानी कि ऐश्वर्या राय दो बहनें हैं और उनका एक भाई है, और जो बड़ी बेटी है ऐश्वर्या राय जिनकी स्कूलिंग पटना से हुई है लेकिन बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो दिल्ली चली गई, उन्होंने दिल्ली से एमबीए की डिग्री ली है, और दूसरी पुत्री आयुषी राय इंजीनियरिंग कर जॉब में है, और अपूर्व राय लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और लालू परिवार ने साधी है चुप्पी। और ऐसे में हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब इसकी जल्द ही जानकारी जो है सामने आ जाएगी, लेकिन जो चंद्रिका राय ने तो पुष्टि कर दी है कि 18 अप्रैल को सगाई होगी और 12 मई को शादी होगी। अब बताते हैं कि आखिर इस केस में सगाई का इसमें अब सियासत कहां से देखने को मिलेगी। जब इनकी तेज प्रताप यादव की शादी होगी और सगाई होगी तो वहां पर बहुत बड़ा एक आपको देखने को मिलेगा विपक्ष की एकता, बहुत बड़ी एकता देखने को मिलेगी आपको वहां पर, सभी विरोधी दल जो विरोधी नेता हैं बीजेपी के वो सारे वहां पर मौजूद होंगे, और कहीं ना कहीं यहां से एक रणनीति बन सकती है अगले लोकसभा चुनाव के लिए। और यहां पर सारे जो विपक्ष के नेता जब एक साथ मौजूद होंगे और एक खुशी का टाइम होगा, खुशी का वक्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में रणनीति और ज़्यादा मुकम्मल होगी। हालांकि वो खुशी का वक्त होगा तो उस वक्त ज़्यादा ऐसी कोई रणनीति नहीं बन पाएगी, लेकिन फिर भी वहां पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार और बीजेपी को एक वहां पर मैसेज जाएगा कि लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में दिख सकती है विपक्ष की एकता। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे की जो सगाई जो शादी है, हमने आपको उसकी जानकारी पहले दे दी है, और शादी राजनीतिक परिवार में हो रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस शादी के मौके पर विपक्षी एकता की भी झलक देखने को मिल सकती है, और जो पार्टी सूत्र है उनका साफ कहना है कि शादी में तमाम नेताओं को आमंत्रण दिया जाएगा और ये प्राइवेट सेरेमनी होगी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि समारोह में विपक्षी नेताओं का बड़ा मजमा इसमें जुट सकता है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता इसमें भाग लेने के लिए पटना जा सकते हैं, यानी कि सियासत तो कहीं ना कहीं इसमें भी दिखाई देगी आपको जब सारे नेता एक साथ मिल बैठेंगे, और लालू भी होंगे शामिल। अभी फिलहाल इस पर प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है क्योंकि वो अभी जेल में सजा काट रहे हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि तेज प्रताप की शादी में लालू प्रसाद के शामिल होने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने की तैयारी की जा रही है, और फिलहाल वो चारा घोटाले में मामले में जेल में बंद है और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज भी चल रहा है। और ऐसे में लालू को जमानत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन की भी तैयारी की जा रही है, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के केस में तकनीकी दिक्कत है, उन्हें हर सजा में अलग अलग जमानत लेनी होगी जिसमें काफ़ी देरी हो सकती है। ये है यहाँ पर इसके मैंने आपको दो यहाँ पर खबरें बताई, एक खबर ये बताई कि आखिर तेज प्रताप यादव की होने वाली पत्नी करती क्या है और क्या है उनका सियासी बैकग्राउंड, यानी कि एक राजनीतिक घराने की शादी एक राजनीतिक घराने में ही हो रही है, जो होने वाली बहू है लालू प्रसाद यादव की वो भी एक सियासी और खानदान से ही आ रही है, सियासी रसूख है उस खानदान का, और
पहले मुख्यमंत्री जो थे बिहार के, उनकी उनके बेटे की उनके बेटे की ये बेटी है। ऐसे में आप सोचिए किस तरीके से यहाँ पर एक सियासी कनेक्शन भी जुड़ रहा है। साथ ही जब यहाँ पर सगाई होगी और शादी का वक्त आएगा तो वहाँ पर विपक्ष की एकता भी देखने को मिलेगी। और इन सब दो चीज़ों से सबसे हटकर एक बहुत बड़ी बात है, शायद आपने नोटिस नहीं की है, वो है तेज प्रताप यादव की पत्नी का नाम ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय एक वो नेता की बेटी हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय से ज़्यादातर लोग इस बात का मतलब निकालेंगे कि उनका सीधे सीधे जो वहाँ पर जो उनका जो दिमाग जाएगा वो जाएगा जो अदाकारा है बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय, जो कि विश्व सुंदरी हैं, जो जो अपने सुंदरता के लिए जानी जाती हैं ऐश्वर्या राय, जो कि सिने अदाकारा हैं, उनसे कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय और ऐश्वर्या राय तो दोनों का नाम सेम है। तो ऐसे में भी बहुत से लोगों के लिए कभी कभी ऐसी भी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि लोगों ने इस बात पे भी काफ़ी ट्रोलिंग करने शुरू कर दिए कि तेज प्रताप यादव की पत्नी जो है ऐश्वर्या राय बनेंगी। तो ऐसे में अब लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन ऐश्वर्या राय, क्या जो ऐश्वर्या जो बॉलीवुड की अभिनेत्री उनकी शादी हो रही है। तो ऐसे में बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय उनकी पत्नी का नाम है, लेकिन वो ऐश्वर्या राय नहीं है। हालांकि नाम दोनों के सेम है, हमने बताया आपको फोटो भी दिखाई है कि यहाँ पर नाम दोनों के सेम है, लेकिन शक्लें अलग हैं और दोनों का बैकग्राउंड भी बहुत अलग है। वो एक सियासी खानदान की है और वो एक वहाँ पर एक्टिंग से उनका ताल्लुक है। तो इसमें अब फिलहाल जो भी ऐसा कि रूमर्स फैला रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसे रूमर्स पर ध्यान ना दें। तो दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से आपके सामने लेकर आऊँगी मैं अपना खास प्रोग्राम, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।